गुड मॉर्निंग छात्रों, नमस्ते, सुप्रभात। तो देखो, मैंने वो लेसन जो है रीढ़ की हड्डी, वो मतलब अभी आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने पूर्वार्ध में आपको बताया है, ये जो एकांकी है उस एकांकी में यानी कि जो श्री शिक्षा का जो महत्व बताया गया है उसके ऊपर जो लेखक है वो लेखक है माधुर चंद्र जी, उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो उस एकांकी का पूर्वार्ध मैंने आपको बताया था और उसमें भी सब कुछ बताया गया है कि जो पात्र दिए गए हैं वो एकांकिका में यानी कि छह पात्र हैं। ये छह पात्र हैं, उसमें मतलब जो भी कुछ बताया है एक एक करके उसका मैंने पूर्वार्ध आपको पढ़ाया है। तो देखो, उस पूर्वार्ध में राम स्वरूप जी का जो बेटा है शंकर, वो शंकर मतलब मेडिकल एग्जाम में और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई कितनी रही है ये उसको पूछ रहे हैं। वो मतलब दो तीन दिन की छुट्टी पर घर पर आया है तो सब पूछ रहे हैं और उसका शादी वादी का भी तो कोई ना कोई तय करने वाले है और विचार चल रहा है। तो उसको मतलब जैसे कि समझो उसको देखने के लिए कोई आए है तो मतलब लड़का लड़की में क्या फ़र्क करते हैं लोग, इसका सब कुछ उसकी सब कुछ जानकारी इस एकांकी में दी गई है। तो उसका जो उत्तरार्ध है वो उत्तरार्ध आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। देखो, तो सबसे पहले गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, जब वो शंकर आता है घर पर, शंकर आता है घर पे, तो रामस्वरूप उसको कहते हैं, उसके पिताजी उसको कहते हैं कि मतलब तू कितने दिन से घर आया और तेरी पढ़ाई कितनी बाकी है, उसके बारे में वो जानकारी पूछ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि साल दो साल बाकी है, उसके बाद बिजनेस का कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो उसके बाद लड़के से सब कुछ पूछने के बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, ऐसे कहते रुक जाते हैं। अरे ऐसे क्यों टेढ़े मेढ़े क्यों बैठे, सीधा बैठो बैकबोन पे, सीधा स्ट्रेस करके बैठो, क्योंकि तेरी शादी का ये सब कुछ जो है शादी तय करने की बातचीत चल रही है। और उसके बाद इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं, मतलब चाय लेने की कोई चाय रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी तो भी आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए, ऐसे चाय प्याले में डाल रहे हैं और कहते हैं चाय पीते पीते, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, मतलब चाय की बात होने लगी अभी, आपको विलायती यानी कि जो दूसरी जगह से मतलब फॉरन से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है वो चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में जो चाय बनती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़्यादा और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिए। शंकर खकार कर ऐसे करके, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो, ज़्यादा चीनी लगाए लेने वाले पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाय पीते पीते, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर हम आमदनी करने है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, आप सुनो। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या गोपाल प्रसाद, खूबसूरत पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़े, खूबसूरती पर टैक्स लगाना पड़ेगी क्योंकि लोगों की और समाज की तमन्ना कैसे है कि लड़का लड़की जो भी कुछ हो खूबसूरत होना चाहिए, मतलब काले नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए हंसते हुए। देखो कैसी बातें चल रही है। फिर मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले जो भी ना करेंगे, अगर देखो काले गोरे का भेद ही नहीं किया तो मतलब देने वाले और जिसको करने का है जो भी कुछ करने का है शहरीवादी जो भी कुछ करने का है उसमें कोई मतलब सब आनंद से सब अच्छी तरीके से किसी को मतलब कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे समझो अगर हर एक आदमी की सोच यही रहती है कि लड़का लड़की यानी अच्छे हो मतलब मतलब वो जो है रंग में अच्छे हो काले न हो। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरत का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह भी कभी उठता नहीं भी नहीं था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और ये क्या बात बताया, ऐसे एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, समोसा उठाते हुए और समोसा की थाली भी उसके मतलब मेज पर रखी है और एक समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब कभी नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में बुजुर्ग आदमी जाते थे और लड़की को देख के मतलब शादी तय होती थी, लेकिन अभी का ज़माना मतलब ऐसा हुआ है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं।
उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातचीत करने चाहते हैं, क्योंकि अभी का जमाना जो ऐसा है, मतलब लड़का ही लड़की के लड़की को सब कुछ सवाल पूछते हैं और लड़की भी लड़के को सवाल पूछती है, एक दूसरे को क्या होते हैं फिर मतलब वार्तालाप होते हैं और शादी तय होती है। पुराने जमाने में ऐसे नहीं थे, मतलब नाना नानी दादा दादी जो भी कुछ है वो सब कुछ चले जाते पहले देखने के लिए, उसके बाद शादी तय हो जाती, तय बस सो मान लेने का, बाकी कुछ नहीं करने का, ये ऐसा तरीका था पुराने जमाने में। काला घोड़ा का तो भेद ही नहीं था, लेकिन अभी देखो अभी कैसे काला घोड़ा का भेद होने लगा है। और उसके बाद रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है, शंकर बाबू मुखातिब होने का मतलब चुपचाप गुमसाम होकर खड़े रहकर पूछ रहे हैं। शंकर मतलब वो लड़के को पूछ रहे हैं, शंकर कौन है, लड़का है जिसकी शादी के बारे में तय करना है, किस मामले में, जैसे कि उसको कोई मालूम नहीं। सराम स्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरत का हिस्सा कितना होना चाहिए, देखो वो पढ़ा लिखा है इसलिए उसको पूछ रहे हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरे है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपस में पहले से भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, जायचा तो मिल गया है आपको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही जरूरी है, देखो उसकी सोच कैसी है। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना है मैं क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया बस खुद बख मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई बुनाई न कर लेनी बस, लड़कियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ सिलाई वगैरह मतलब जो सिलाई मशीन जो है वो जो मतलब आपकी जैसे कि ब्यूटी पार्लर जो भी कुछ है जो जो छोटे मोटे जो है वो मतलब कोर्स करने हैं बस, बाकी कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, मतलब बुजुर्ग विचार है, बुजुर्ग आदमी के बुजुर्ग विचार। हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं फिर अंदाज करके कि फिर मुँह कर जरा से जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, अम्मा पान की तस्करी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाता है, आप बाप बेटे चौंक उठते हैं, जैसे कि उसका चश्मा जो है ऐसा नीचे खाली करके ऊपर से ऐसे हैंग उठा के देखते हैं, मतलब ये क्या बातचीत चल रही है। और शंकर कहते हैं एक साथ चश्मा चश्मा, मतलब अरे चश्मा चश्मा ऐसे नीचे आ रहा है तो भी उसका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। रामस्वरूप जरा सक पका कर, सक पका कर मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है जी। वह तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी गई थी तो सो कुछ दिनों में लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब देखो अभी चश्मा भी देखने लगे, लड़के को चश्मा है लड़की भी पूछती है उसको चश्मा है तो मतलब क्या कुछ मतलब परेशानी का कुछ परेशानी है या मतलब जो कुछ कोई बीमारियाँ तो नहीं है, चश्मा लगा है या आंखों की बीमारी है, मतलब अभी देखो ये सब कुछ देखने लगे। नहीं साहब वो तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल प्रसाद हो संतुष्ट होकर कुछ कोमल सुन रहे, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपनी बाजे बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, मतलब वो लड़की आती है उमा और उसके चाल में तो कोई खराबी नहीं है, देखो पुराने जो लोग थे ना मतलब ऐसी उसकी लड़की की जो है ना चाल वाल सब कुछ देखते थे, सब कुछ देखने के बाद ही शादी तय कर लेते थे, ऐसे कुछ नहीं आए और दो जो दो चार सवाल पूछे और चले गए चाय पानी देखे, ऐसा नहीं सब कुछ मतलब पूछ लेते थे पुराने ज़माने में, ये सब कुछ होता था लेकिन अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है। देखो गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप जी हाँ सितार भी और बाजा भी बजाती है, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, देखो ये जो है ना भजन हाँ वो मतलब सुनाती है। उसकी आँखें शंकर की चेपती सी आँखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, मतलब वो शंकर मतलब जो लड़का है वो भी आप उसके सामने बैठा है, उसकी आँखें उसकी तरफ ही रहती है, देखो किसकी आँखें किसकी तरफ होनी चाहिए, उसकी आँखें उसकी तरफ ही रहती है क्योंकि उसको पसंद करना है, तो वो मतलब उसकी आँखें उसकी तरफ ही रखकर वो गाती थी और बीच में ही रुक जाती है। कैसे रुक जाती है देखो, रामस्वरूप क्या क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा क्यों न किया उमा,
गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। उमा सीता रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है, मतलब वो चलने के लिए तैयार होती है उस मतलब जो रूम में जो सब लोग बैठते थे, और मतलब उसको राम स्वरूप कहते हैं थोड़ा ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप, मतलब देखो पूछने का तरीका, ये तो गाना तो ठीक है, चलो चाल डाल सब कुछ अच्छे है आपकी, लेकिन गाना भी गाती है वो भी अच्छा है, लेकिन आपने कुछ पेंटिंग वेंटिंग कुछ सीखी है क्या? रामस्वरूप, हाँ वो तो आपको बताना भूल गई, वो यह तो तस्वीर टंगी हुई कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी है, एक दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है और वो पेंटिंग की तरफ निशाना करके वो बता रही है, ये पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह देखो पुराने लोग कैसे क्वेश्चन पूछते थे, अभी का देखो अभी का छोड़ो, लेकिन पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग थे ना, मतलब जो बेटी को यानी कि किसी को देखने के लिए चले जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछते, क्या पेंटिंग सीखी है, क्या गाना बजाना आता है, गाना गाना आता है, हाँ सिलाई मशीन का कुछ ये देखो ये पूछ रहे थे, और सिलाई वगैरह कुछ किया है आपने सिलाई की? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, अरे यहाँ तक मेरी कमीजें और सब कुछ घर के जो भी कुछ सिलाई का करने का जो भी कुछ है ना वो उन्हें ही बनाया है, मतलब वो उसको सिलाई का ही काम आता है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? देखो कुछ इनाम विनाम जीते हैं या स्पोर्ट में कुछ? उमा चुप, राम स्वरूप इशारे के लिए कांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद, अधीर वो उठते हैं और राम स्वरूप सबका दे, लेकिन उसके जो पिताजी है ना वो उसके पिताजी ऐसे आंख उठा कर देते हैं चुप रहने का, तो वो कुछ नहीं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो चुपचाप उसका जवाब देने का कुछ बोलने का नहीं, देखो मतलब वो क्या है ऐसे मतलब बर्तन से उसको बता रहे हैं सर। राम स्वरूप, जवाब दो होगा गोपाल से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने मतलब रुक जाती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रुके आवाज में, जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, वो लड़की को बोलने दो ना, वो बोल रहे हैं लड़की को बोलने दो, जरा उसका भी मुँह खोलने दो, तो फिर उसके पिताजी कहते हैं हाँ उमा चलो तू बता दे, तो कोई इनाम वगैरह जीता है आपने कोई? उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। राम स्वरूप कहते हैं चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अगर मेहमान जी आए हैं तो उसके साथ जवाब कैसे देना चाहिए, मतलब वो लड़की को भी समझ में आया, तो मतलब ये कितने क्वेश्चन यानी कि कितने सवाल पूछ रहे हैं, ये आता है वो आता है ये करती है वो करती है, और मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर देखो कुर्सी या मेज लेने के लिए मतलब जो भी कुछ दुकान में चले गए तो वो सब क्या करते हैं फिर दिखा देते हैं, वरना वो क्या करते हैं वो कैसे बनाया कौन सी लकड़ी से बनाया ये कुछ नहीं बताते हैं, लेना है तो ले लो नहीं तो सीधा चले जाओ। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ और हमारी भी इज्जत नहीं होती जो आप इतनी देर से नाक तोड़ कर रहे हैं। राम स्वरूप कह रहे हैं कि क्या आपकी मेरी मतलब बेइज्जत करने के लिए आप यहाँ से क्यों पूछ रही है, उसका अच्छा जवाब दे दीजिए, लेकिन उमा चिल्लाते हुए क्या कह रही है कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है उसका क्या है? शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप, देखो और भी क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं और पूछ रही है क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में तार झाँक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। देखो उन्होंने उसका सब कुछ जान लिया था तो उसका मतलब सब बता दिया। राम स्वरूप उमा उमा अरे उमा चुप। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं वो मेहमान। उमा जी हाँ जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी में भी है या नहीं, रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके
उनके लड़के को रुला सपन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सास चुपचाप हो जाती है। देखो ये एक अंकिका लास्ट एम जब देखो उन्होंने कैसा किया, वो लड़की चुपचाप मतलब चुपचाप खड़ी रहती है तो उसका मतलब क्या लोग फायदा उठाते हैं। अगर देखो आदमी या औरत कोई भी चुपचाप अपना मतलब कोई भी सर कर ले तो वो चुपचाप खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पे अपना मुंह खोलकर आप बताना चाहिए। चाहे आपका लड़का मतलब इतना पढ़ा लिखा है तो उन्होंने सबकी उसकी हिस्ट्री बता दी उसको, वो क्या करता है कैसा का उसके मतलब बिहेव कैसा है क्या है, उसको रीढ़ की हड्डी यानी कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बैठता है उसको रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन भी है या नहीं उन्होंने बताया। और आप इतने सवाल कर रहे हैं, सवाल करने का अधिकार दिया ही है किसने आपने, लड़की है तो क्या हुआ थी? ये सब कुछ मतलब नारी जाति पे जो होने वाला जो भी कुछ अत्याचार है जो भी कुछ है उस कहानी में रीढ़ की हड्डी इस कहानी में लेखक जी ने बहुत ही मनोरंजन से बहुत ही अच्छे तरीके से ये छह पात्र जो उसमें है ये छह पात्रों के आधार से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। मुझे लेकिन है कि आपको पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों कंटिन्यूसली आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई भी करो और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो मतलब अपने नोटबुक में कंप्लीट करवा के रखने का। आज के लिए इतना ही।